पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम का बजना कंपलसरी कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नए चेंजेस लेकर आया है जिसमें उन्होंने 10 ऐसे लोगों की लिस्ट जारी करी है जो अगर सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम पर ना खड़े हो तो भी चलेगा, और हाँ, आप उन्हें खड़े होने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सेरेब्रल पॉल्सी यानी दिमाग के उस हिस्से का काम ना करना जो शरीर में होने वाली हलचल को कंट्रोल करता है, नतीजतन लोगों को चलने फिरने से लेकर खाने, गटकने, उलटने, हर तरह के मूवमेंट में तकलीफ होती है। पर्किंस डिजीज यानी नसों का काम करना बंद कर देना, जिसके चलते चलने फिरने ही नहीं सोचने समझने की तकलीफें भी हो जाती हैं। इसके अलावा दिमागी तौर पर उलझन और डिप्रेशन भी हो सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी मांसपेशियों का हद से ज्यादा कमजोर होना, जिससे लोगों को चलने में तकलीफ होती है। दृष्टिहीन, सुन ना सकने वाले लोग, ऑटिज्म, चल फिर ना पाने वाले, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी ऐसी स्थिति जिसमें नसों, स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग के सेल्स पर चढ़ा हुआ नेचुरल कवर उतर जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक तकलीफें हो जाती हैं। जिनको कभी कुष्ठ रोग रहा हो, सीखने या समझने में जिन्हें तकलीफ होती है। सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम बजने की प्रैक्टिस असल में 1960s में शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया और सिनेमा हॉल्स ने भी इन्हें बजाना बंद कर दिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल दी ललन टॉप सब्सक्राइब करें।